आ रही है वो आपको अभी बता देते हैं। तो बता दें आपको बड़ी खबर, आज से दो दिन के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज काशी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे इस मौके पर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज से दो दिन के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री काशी में, आपको बता, दो दिन का ये उनका दौरा। तो कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं वो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर परिसर में करीब 1.5 घंटे प्रधानमंत्री बिताएंगे। 100 मजदूरों के साथ भोजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज होने जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे पीएम इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्रूज के जरिए पीएम धाम पहुंचेंगे और लतिका घाट से गंगा जल लेकर मंदिर जाएंगे और जहां पर जलाभिषेक करेंगे भगवान शिव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से संपूर्णानंद मैदान तक हेलीकॉप्टर से आएंगे, जहां से बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए रवाना होंगे। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी आपको बता दें खिड़किया घाट जाएंगे और वहां से क्रूज में सवार होकर 1:30 बजे घाट के रास्ते कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे।